भारत की आज़ादी के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ जबलपुर संस्कारधानी में किया गया था। संस्कारधानी जबलपुर की इस पावन भूमि में 18 मार्च 1923 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने शांतिपूर्वक झंडा फहराया था और इस टाउन हॉल में शांतिपूर्वक फहराए गए झंडे से ब्रिटिश शासन में खलबली मच गई थी। ऐसा बताया जाता है कि जबलपुर से शुरू हुए इस ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह ने नागपुर में 18 जून 1923 को व्यापक रूप ले लिया था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को जागरूक भी किया। स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई छोटी छोटी लड़ाइयां ही आगे चलकर बड़े बड़े स्वतंत्रता आंदोलनों में परिवर्तित हुई थी। इस प्रकार संस्कारधानी का भी एक विशेष योगदान था भारत की आजादी में। जबलपुर का ये टाउन हॉल अब एक गांधी लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड सारी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं और बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर एनवायरनमेंट भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं, झंडा फहराया जाता है और सभी मनाते हैं राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को। बापू की याद में यहाँ पर एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है जो कि सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करती है। 18 मार्च 1923 को गांधी भवन में झंडा सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था और उसी दिन झंडा फहराने में स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा झंडा फहराने में सफल हुए और उनकी नमन याद करते हुए यहाँ प्रतिवर्ष की तरह झंडा वंदन किया जाता है। गांधी भवन में झंडा सत्याग्रह हुआ उसके बाद यहाँ पर इस भवन में एक पुस्तकालय का भी चालू हुआ है और जो यहाँ के छात्र छात्राओं को और सम्मानित पाठकों को यहाँ अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। यह नगर निगम द्वारा संचालित होता है। अच्छा,